इमरान जी, क्या हाल है आपका? हेलो महलेश जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे ये बहुत मुझे होता है गुस्सा आता है जब एवरीडे पाकिस्तानी पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं। और अजीब बात है कि कल वाज द फॉल ऑफ ढाका और आपका आधा मुल्क टूट गया और आपने भी वहां भी आपने इज्जतें लूटी पाकिस्तानी आर्मी ने। तो जस्ट लाइक आप जो अच्छा बंदा है आप उनको बना देते हैं। जैसे लाइक आई डोंट नो हाउ पाकिस्तान इज डिफेंड पाकिस्तान। क्यों क्यों आप डिफेंड करते हैं? पाकिस्तान ने वो क्या कर तो अच्छा रहे हैं किया? हमारे। देखो भाई, आप करो डिफेंड, मगर आप ही का मजाक उड़ रहा है। आपके इंटरनेट देख लो, आपके वही इंटरनेट ना। सर्विस ही इतनी बेकार है कि आपका इंटरनेट सही से नहीं चल रहा है। आपका अल्लाह मियां आपको हेल्प नहीं कर रहा है इंटरनेट चलाने में, आपका कि उनको आधा डिफेंड मुल्क करने आ टूट जाए। गया। बिल्कुल, आपका आधा मुल्क टूट गया। आपने अच्छे अच्छे बंदे ठुडे मार के निकाल दे पाकिस्तान से। आपने आपके वहां पानी नहीं है, आपके वहां बिजली नहीं है, आपके वहां जो माइनॉरिटीज हैं उनके आप पीछे पड़े रहते हैं। औरतें हैं बेचारी वो सिसक सिसक कह रह रही हैं। उनको उनके लिए आपके परमानेंट लॉकडाउन है। 50 ऑलमोस्ट 50% है मेरे ख्याल से, जो बच्चे जो हैं एज के, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, लाइक देन जाहिर है। आप आपका जो जो बना है माय हम नेम प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो भी है मिस्टर खान, ही इज ब्रिंगिंग रिलीजन इनटू एवरीथिंग। तो आप कैसे डिफेंड करते हैं? फिर आपका मजहब आप देखें, आप लोग किताबें नहीं पढ़ते। आप लोग मुझे जब मैं ये आके डिफेंड कर रहे होते हैं ना जोम्बीज की तरह, तो मुझे इतना गुस्सा आता। और अगर आप ये कहते हैं ना कि महलीश डिफेंड ना करे या इमरान आके ना कहे कुछ, आपके यहाँ आते हैं वेस्ट में और वो ही गंद यहाँ करते हैं। अपना कल्चर उठा के ना बक्से के अंदर वो ले आते हैं बाहर वेस्ट के अंदर। और वो ही ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स उन्होंने की, ब्रिटेन में ड्रग ड्रिलिंग ये करते हैं, दलाल ये बने होते हैं। और फिर कहते हैं जी हम जी बहुत पाक साफ नहीं, है, हम हमें इतने बात नहीं महान करने दो, हमें इन पे बात ना करें, ताकि ये लोग यहाँ पर भी आके ना यहाँ पे भी वही गंद कर दें जो इन्होंने अपने है। मुल्कों में बिल्कुल की है, ताकि हम इनको बिल्कुल यहाँ पे भी बोलना नहीं चाहिए। और इनके बिल्कुल जो ये जो अब पॉलिटिक्स में घुस गए हैं ना, मॉडरेट मुसलमान, सेक्युलर मुसलमान जो घुस गए हैं, वो यही कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ पर हम लोगों को चुप करा दिया जाए, ताकि हम इस्लाम पे बात ना कर सकें। तो इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। कौन सा पीस, कहाँ का पीस? कहीं का पीस नहीं है। ये तबाह दुनिया तबाह करने वाला का वाला मजहब है कि किसी को हाँ, नहीं और ये सब कुछ। पता है पॉलिटिशियंस को, ये पैसे खिलाए जा रहे हैं इनको, खूब पैसे खिलाए जा रहे हैं। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। जमीन जमीन भरे मैं बिल्स वगैरह पास हो रहे हैं फालतू के। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। ये इतनी इंसिडियस ये मजहब है कि मुझे शुभ होता है कि मैं गोनों की सिटी में जाता हूँ। मैं तो मेजोरिटीवली एथनिक मेजोरिटी सिटी में रहता हूँ, मगर यहाँ मैं जाता हूँ गोरियों के एरियो में, गोरों के एरिया में जाता हूँ, गोरी की सिटीज में जाता हूँ। वहां क्या नजर आ रहा होता है जी? इस्लामिक सेंटर वहां भी बनाया है गोरों की सिटीज के अंदर, कि अपना गंद ये फैलाएं, गोरों को भी पागल करें। हम तो हो चुके हैं ना, अपने मुल्क आपने तबाह किए हुए हैं ना, अब गोरों को भी पागल करेंगे आप? नहीं, मगर अब गोरों को भी सोचना चाहिए ना कि भैया देखो ये चीजें, अब जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम ब्रदरहुड को जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना गया है, यानी कतर कह रही हूँ, दूसरे मिडिल ईस्ट में भी उनको यही माना जाता है कि देर टेररिस्ट, मगर यहाँ पर नहीं, यूएस ने डिक्लेयर कर दिया, मगर कनाडा में नहीं, यहाँ पे उनके लोग काम कर रहे हैं, देर बिल्कुल वर्किंग हियर। So this is like, वो अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। that's what's happening। आ और जाना रेहान, एक काम करना रेहान, तू अपना लेवल अपने इंटरनेट का बढ़ाओ, ताकि तुम सही इंटरनेट लगा कराओ, ताकि हम तुमसे बात करें। अल्लाह मियाँ से दुआएं मांगो, 2 रकात नमाज पढ़ लो, शायद तुम्हारा इंटरनेट ठीक हो जाए। हम तो चाहते हैं आप आओ हमसे बात करो, हम तो चाह रहे हैं तुम आओ। लोंडी 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 पे गाना बनाना चाहिए मेरे को। मुझे अभी भी पाकिस्तानी लोगों की वो होती है ना जो एरोगेंस, मुझे इट जस्ट पिसेस मी ऑफ और मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अपने आप को चेक करें कि आप एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी नीचे हैं आप। देयर इज नथिंग गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, नो वन लुक्स टुवर्ड्स यू। इंडिया का नाम है इसीलिए दुनिया उनको कुछ कहती है। उनका बॉलीवुड है, उनका सब कुछ है, उनके CEO लगते हैं दुनिया के अंदर जाकर लोग, मगर इनका नाम सिर्फ जिहाद से है, जिहाद पाकिस्तान का। मैं आपको एक बिल्कुल बात बताऊं, पहले 96 की बात है,
मैं बताती नहीं मैं कहाँ थी, मगर जहां मैं थी वो बहुत ही स्मॉल छोटा सा टाउन था ना, गोरे ही गोरे वहां पे सिर्फ। तो मैं नई नई थी तो मुझसे कहने तुम कहाँ से हो, क्योंकि ऑब्वियसली मैं गोरी तो लगती नहीं हूँ। तो मैंने कहा पाकिस्तान से हूँ। कहती है कहाँ पाकिस्तान, पाकिस्तान कहाँ है, पता ही नहीं था उनको, पता ही नहीं था। बिल्कुल मैंने कहा इंडिया, पता ही नहीं। इंडिया का फिर भी थोड़ा बहुत जो दो तीन लोगों का पता था। मैंने चाइना का नाम लिया तो चाइना का पता चला। मैंने कहा चाइना के बराबर, किसी को पता ही नहीं था पाकिस्तान है कहाँ। अब किसे पता है, 9/11 के बाद सबको पता है पाकिस्तान कहाँ है, एवरीवन बिल्कुल, नोस उनको पता ना पाकिस्तान। कि इन्होंने पनाह दी हुई थी उसामा बिन लादिन को, वही है ना, लोगों को पता ना क्या है, हमने क्या क्या बीज बोए हैं, और वही हमें आके काट रहे हैं ना, वो जो हमने सो किया था ओवर द इयर्स। हाँ चले, थैंक यू इमरान जी, मैं आगे बढ़ती थैंक हूँ। थैंक यू यू जी, सो थैंक मच फॉर यू, योर सपोर्ट, हेलो आई गुलजार ऑलवेज जी, अप्रिशिएट हाँ इट। इमरान, ओके बड़े दिनों बाद आप आए, और जो बातें मैंने करनी थी, ये जो रेहान वी लॉग आए थे आपने कर दी है, तो आप इतना अच्छे मुझे तरीके अफसोस। से बयान करते हैं, आप हसन जी आप कनेक्टिव, क्लिक करो लिंक पे और आ जाओ यहाँ पर। अच्छा एक सेकेंड इमरान जी, मैं आगे बढ़ती हूँ, बहुत सारे लोग आना चाह रहे हैं और टाइम बहुत ओके कम जी, है मेरे ओके पास, जी। मुझे भी जाना है।